नियमित वेतन न मिलने के कारण मंगलवार को शहर के संविधान चौक पर जनहित संघर्ष समिति की ओर से मोरारजी टेक्सटाइल कंपनी के विरोध में आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोरारजी टेक्सटाइल कंपनी के कर्मचारी उपस्थित थे। बुटीबोरी में स्थित मोरारजी टेक्सटाइल कंपनी में बीते 10 से 12 सालों में कई कर्मचारी कार्यरत है। हालांकि इतने सालों से काम करने के बावजूद भी यहां के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, वहीं उनका वेतन भी बढ़ नहीं रहा है। इसी के विरोध में मंगलवार को जनहित संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्मचारियों का कहना था कि इतने सालों से काम करने के बावजूद भी वो अब तक स्थायी नहीं किए गए हैं। मेरी संगठन है जनहित संघर्ष समिति, और आज उस संगठन के माध्यम से MIDC बुट्टीबोरी में जो कंपनी है मोरारजी टेक्सटाइल, उसके ये तमाम कामगार है जिनके साथ 19 सालों से ज्यादती हो रही थी, जिनका शोषण हो रहा था, उनका पेमेंट बराबर नहीं दिया जा रहा था, और पेमेंट क्या, उनको जो बेसिक है वही बेसिक बराबर नहीं दिया जा रहा। आज की महंगाई को देखते हुए हमारे लोग उतने 8-10 हज़ार कोई मायने नहीं रखते, और जबकि ये ड्यूटी करते हैं, इनका कंपनी से अंतर कम से कम 10-15 किलोमीटर का है, आने जाने के लिए डीजल पेट्रोल लगता है, सारी चीज़ें महंगाई हो गई। अब रहा सवाल कंपनी को प्रोडक्ट दिया इन्होंने 19 सालों से, और इतना प्रोडक्शन देने के बाद आज इंटरनेशनल लेवल पर इसका मोरारजी का नाम है, मगर मजदूर आज भी अपने हक और अधिकारों से वंचित है। इसलिए ये कामगार करीब करीब 20 दिन से कंपनी के कुछ दिन अंदर किए, इन्हें धक्के मारकर कंपनी ने आंदोलन कर रहे इसलिए बाहर निकाल दिया। आज ये 20 दिनों से पूरे कामगार कंपनी के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी दखल ना कंपनी ने ली और ना प्रशासन ने ली और ना शासन ने ली। ये तो आज का सिर्फ धरना, इसलिए ये धरने पर बैठे रहेंगे उधर, यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है या हमारे मुताबिक हमारे कामगारों के हिसाब से यदि हमारी बातचीत नहीं होगी तो हमारे ये धरना वहाँ शुरू रहेगा मोरारजी के सामने। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम याद दिला दें आयुक्त को कि जिसकी नियुक्ति जनता के लिए हुई है, तो उसका काम है कि इनका रास्ता निकालना। यदि रास्ता नहीं निकलता है तो कंपनी को हम ताला लगाए बगैर रहेंगे नहीं। तुमचा नाव सांगा, ने का आंदोलन है तुमचा? माझं नाव सुधा चंदेलकर। इथे आम्ही 20 दिवस झालो आम्ही मोरारजी टेक्सटाइल समोर आम्ही आंदोलन सुरू केलं आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की मी इथे 10 वर्ष पूर्ण झाले काम करत आहे, तरी पण त्या कामाचं आम्हाला वेतन बरोबर मिळत नाही आणि आम्हाला आजपर्यंत स्थायी केलेलं नाही, आणि आमचा पेमेंट हा 7 ते 10 तारखेपर्यंत व्हायला पाहिजे, तो आमचा पेमेंट हर महिन्याला होत नसून 2-2 महिने वेटिंगवर असून तो पगार केला जातो। तसेच आमच्या चारच मागण्या आहे की आम्हाला स्थायी करण्यात यावं। दुसरी गोष्ट, आमचे निलंबित झालेले जे व्यक्ती आहे त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावं, आणि तिसरं म्हणजे आमचा पेमेंट टाईमावर करण्यात यावं, 7 ते 10 तारखेपर्यंतच्या आत करण्यात यावं, आणि चौथी गोष्ट म्हणजे आमची बेसिक वाढ करण्यात यावं। इस अवसर पर कर्मचारियों ने नियमित वेतन में वृद्धि और स्थायी करने की मांग की गई, वही मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी उन्होंने दिया। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज़ नागपुर।